नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 15 अगस्त 2020 के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने यह दावा किया था कि हर नागरिक के वैक्सीनेशन का पूरा प्लान तैयार है, लेकिन अप्रैल 2021 में दूसरी लहर आई तो मोदी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी। मार्च के बाद से कोविड के 1,68,00,000 से ज़्यादा मामलों का पता चला और 1,72,000 से अधिक लोग मारे गए। सरकार देश में सिर्फ 4,03,00,000 लोगों को पूरी तरह से टीका दे पाई है। अब तक आबादी की लगभग 3.3% है। इस हिसाब से पूरी आबादी के टीका लगाने में कई साल लगेंगे। मोदी जी का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाना का दावा पूरा झूठ हुआ। विदेशों में 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक का निर्यात किया, जबकि देश के लोगों को बचाने का कुछ नहीं सोचा। तमाम वैक्सीन सेंटरों पर ताले लटके हुए हैं और 18 से 44 साल की उम्र की आबादी के वैक्सीनेशन की चाल कछुआ जैसी है कि टीकाकरण नीति बेहद चिंताजनक है। प्राइवेट अस्पताल के लिए कोविशील्ड 600 रुपये, कोवैक्सीन के लिए 1,200 रुपये किया जा रहा है। राज्यों के लिए टीकों की कीमत केंद्र से दोगुना है। केंद्र सरकार लोगों को निःशुल्क टीका करने का अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वैक्सीन का प्रोसेस गरीब जनता के लिए बहुत जटिल हुई है। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन पंजीकरण को छोड़कर सभी नागरिक को टीके लगाए। कोविड की तीसरी लहर के आने की चेतावनी दी जा रही है। इसका एक ही उपाय है कि देश के हरेक व्यक्ति का टीकाकरण किया जाए और उन्हें इस वायरस से बचाया जाए। हमारे नेताओं ने प्रधानमंत्री को बहुत से पत्र लिखे हैं और वैक्सीन के बारे में ये मांग की है कि मुफ्त में दिया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं टीकाकरण के बजट में 35,000 करोड़ रुपए की राशि है, उसका उपयोग टीकाकरण के लिए करें, यही हमारी इच्छा है। जय हिंद। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश को चाहिए था रणबांकुर, पर मिला है रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी, जब चेतावनियां आ रही थी तब तो आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, चुनी हुई सरकारें गिरानी थी, किसानों का दमन करना था, भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछे खिल रही थी। आपके पास कहां वक्त था कोरोना से लड़ने की तैयारी और रणनीति बनाने का। सच ही तो कह रही हो ना मोदी जी, क्योंकि ये भी सच है कि अपनी पीठ थपथपाकर सीना ठोककर आपने तो पहले ही कोरोना को परास्त कर दिया था। अगर एक मिनट के लिए सिर्फ कोरोना से लोगों की जाने गई हुई थी तो सांत्वना दी जा सकती थी, लेकिन कैसे समझाया जाए लोगों को कि आपकी विफलताओं, आपके नाकारेपन, आपके निकम्मेपन से लोगों की जाने गई हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहां जब लोग तड़प तड़प कर बेदम होकर सांसें तोड़ते हैं तो क्या समझाया जाए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहाँ वैक्सीन की ही किल्लत हो गई, क्योंकि आपको विश्वगुरु बनना था। उस होड़ में आप अपने देश को ही भूल गए, कोई प्राथमिकता ही नहीं थी आपकी। कैसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला पूरे विश्व में देश कैसे है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की। उनके सर ठीकरा फोड़ दिया आपने। आपने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 तक इंतजार करके क्यों दिया, बाकी देश तो मई 2020 से अक्टूबर के बीच दे चुके थे। आपने दो ही निर्माताओं को क्यों लाए, उसी की वजह से किल्लत हुई। आपने किसी विदेशी वैक्सीन को अनुमति जल्दी क्यों नहीं दी, स्पुतनिक को हमारे इतने कहने के बाद इतनी देर में वैक्सीन यहां पर लाने की अनुमति क्यों दी गई। आपने यहां पर प्रचुर मात्रा में बनाने के कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आनाकानी क्यों करी और अंततोगत्वा 5 हफ्ते बाद हमारे ही सुझाव को मानकर ये अलाउ किया।
जो जाने गई है ना मोदी जी, उसके बारे में तो आपसे हिसाब मांगेगा देश, और इसलिए मांगेगा क्योंकि देश ने आपको बड़े प्यार और विश्वास से जिताया था। लेकिन जो विश्वासघात आपने किया है, जो अन्याय आपने किया है, वो इस देश की आंखों से बरबस आंसू बनकर बह रहा है, वो सूखने वाला नहीं है। ये देश आपसे हिसाब मांगता है आपके 7 साल की नाकामी का और इस आपदा में रण छोड़कर भाग जाने का।